इन फिल्मों से इंडिया के टॉप सुपरस्टार बनेंगे रणबीर, सब में है 1,000 करोड़ कमाने का दम। रणबीर के धमाकेदार प्रोजेक्ट, पिछले साल की धुआंधार हिट विद एनिमल के बाद से सुपरस्टार रणबीर कपूर के पास बड़े प्रोजेक्ट्स की लाइन लगी है। ये प्रोजेक्ट्स उन्हें इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना सकते हैं। हाल ही में रिपोर्ट्स आईं कि यशराज फिल्म्स ने धूम 4 के लिए रणबीर को साइन किया है। 550 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन वाली धूम 3 के बाद धूम 4 में 1000 करोड़ कमाने का पूरा दम है। रणबीर के पास ऐसी फिल्मों की लाइन लगी हुई है जो 1000 करोड़ तक का ग्रॉस कलेक्शन कर सकती है। इसमें सबसे पहली फिल्म रामायण है। रामायण पार्ट 1 इस वक्त बॉलीवुड ही नहीं इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म है। सभी इंडस्ट्रीज के टॉप स्टार्स के साथ बन रही ये फिल्म बड़े आराम से 1000 करोड़ क्लब में एंट्री ले सकती है। इसके बाद रणबीर एनिमल के सीक्वल एनिमल पार्क पर काम शुरू करेंगे। संदीप रेड्डी वांगा ने पहली फिल्म में जिस तरह दूसरे पार्ट का हिंट दिया, उसी से लोग फिल्म के लिए तैयार बैठे हैं। रणबीर और वांगा दोनों बोल चुके हैं कि एनिमल तो बस ट्रेलर थी, एनिमल पार्क उससे कहीं ज्यादा एक्शन भरी होगी, इसलिए इसमें भी 1000 करोड़ तक जाने का पूरा दम है। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 2022 रणबीर की सबसे बड़ी हिट्स में से एक है। इसके सीक्वल का इंतजार भी जनता को बेसब्री से है। 400 करोड़ तक पहुंची फिल्म का सीक्वल भी 1000 करोड़ तक जा सकता है। इनके अलावा रणबीर के पास आलिया भट्ट और विक्की कौशल के साथ एक लव ट्रायंगल फिल्म लव एंड वॉर भी है। संजय लीला भंसाली की यह फिल्म भी तगड़ी कमाई के साथ सरप्राइज कर सकती है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि रणबीर कपूर की इन आने वाली फिल्मों में कौन सी सबसे ज्यादा हिट होगी और कौन सी फिल्म 1000 करोड़ तक पहुंचेगी? इस लिस्ट में आपकी फेवरेट कौन सी फिल्म है और आप रणबीर कपूर की कौन सी आने वाली फिल्म का इंतजार कर रहे हैं? ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल बॉलीवुड को सब्सक्राइब करें।